भारतीय जनता पार्टी के गुंडे तमाम नेता दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय पर आए, झंडेवाला में स्थित के मुख्यालय, और पूरे ऑफिस को तोड़ फोड़ दी, पूरे ऑफिस को वैंडलाइज किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरे ग्लास फर्श पर बिखरा हुआ है, ग्लास तोड़ दिए, गमले तोड़ दिए, स्टाफ पर अटैक किया गया, दरवाजे तोड़ दिए, बेंचेज उखाड़ दिए, अरविंद केजरीवाल की फ़ोटो थी उसे तोड़ दिया, उसे तोड़ दीवार से खींच कर फोटो फाड़ दी, और पूरी तरीके से हमारे ऑफिस को अभी वैंडलाइज किया गया है। हमारा स्टाफ घबराया हुआ है, कुछ लोग जो हमारे यहाँ पे महिलाएं काम करती हैं वो घबराई हुई हैं, वो कमरे से तक बदलने में भी घबरा रही हैं। कुछ लोगों के मुंह से खून आ रहा है, फर्श पे खून की बूंदें पड़ी हुई हैं। पूरी तरीके से उन्होंने पूरे ऑफिस को तहस नहस कर दिया, और ये भारतीय जनता पार्टी ने क्यों करा ये समझना अति आवश्यक है। जो ये भाजपा के गुंडे आए, उन्होंने मेरा नाम लेके ललकारा और कहा राघव चड्ढा अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समझा देना बहुत ज़्यादा किसानों का हितैषी बनता है, बहुत ज़्यादा किसानों की तरफदारी करता है, सेवादार बनकर उनकी ज़्यादा सेवा कर रहा है, ये तीन काले कानून खारिज करने की बात कर रहा है, अपने केजरीवाल को समझा दो, किसानों के पक्ष में बोलना छोड़ दे, वरना हम एक एक करके तुम्हारे सभी विधायकों को ये मजा चखाएंगे। उन्होंने खुली चुनौती दी कि उस दिन हमने अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया, उसके बाद हमने मनीष सिसोदिया जी के घर में घुसकर उनका घर तोड़ फोड़ कर दिया, और आज हमने तुम्हारे मुख्यालय पर, तुम्हारे कार्यालय पर हमला करकर तुम्हारा प्रिंटर, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारे गमले, तुम्हारे शीशे, कांच, दरवाजे सब तोड़ दिया। तुम्हें हम चुनौती, धमकी, वार्निंग देकर जा रहे हैं कि किसानों के हक में बोलना छोड़ दो। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तुम नए नए सह प्रभारी बने हो पंजाब के, बहुत ज़्यादा पंजाब की ओर देख रहे हो, बहुत ज़्यादा किसानों के बारे में बोल रहे हो, ये बोलना बंद कर दो वरना तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे, और एक एक कर अब हम इस प्रकार के जानलेवा हमला आम आदमी पार्टी के हर विधायक पर, हर नेता के घर पर करेंगे, उसके ऑफिस में करेंगे। साफ धमकी देकर आज ये लोग यहाँ से गए हैं, और कहकर गए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को बोल देना कि किसानों के हितैषी बनना बंद करें, किसानों के पक्ष में बोलना बंद करें, और जैसा नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, उनके कहने पर अरविंद केजरीवाल जी काम करेंगे। साफ धमकी देकर आज भाजपा ने कहा, हमने बात करी है दिल्ली पुलिस में भी, गृह सचिव से भी, लेकिन ये जो पूरी कवायद हुई है, पूरा इंसिडेंट हुआ है, ये तो दिल्ली पुलिस के एक प्रकार से सहायता से, मदद से ही हुआ है, नहीं तो आज एक इतने बड़े सरकारी ऑफिस में, हमारा हेडक्वार्टर बहुत बड़ा है, विशाल है, कई अफसर यहाँ बैठते हैं, इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में किसी भी साधारण व्यक्ति का आना असंभव है, इस प्रकार से पूरी भीड़ भड़के के साथ कई सौ लोग अगर घुस आते हैं, तो ये दिखाता है कि एक प्री मेडिटेटिव अटैक भारतीय जनता पार्टी ने किया है दिल्ली पुलिस की सहायता से, और लक्ष्य स्पष्ट है, लक्ष्य बड़ा साफ है, अरविंद केजरीवाल को धमकाना, हम सबको धमकाना कि बहुत ज़्यादा हम पंजाब की ओर आ देंगे, बहुत ज़्यादा हम लोग किसानों की हितैषी काम। स्टाफ को भी चोटें आई हैं? स्टाफ को चोटें आई हैं, हमारी महिला स्टाफ को चोटें आई हैं, मेल स्टाफ को चोटें आई हैं, खून की आप देखेंगे बूंदें सारी हमारे फर्श पे पड़ी हुई हैं, और कुछ लोगों को हमने हॉस्पिटल भेजा है, कुछ लोगों का यहीं पे जो हमारा एक छोटा सा क्लिनिक है जलपुर में, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, और जैसा कि मैंने बताया कुछ हमारी क्लिनिक स्टाफ अभी भी ऑफिस में बंद है, कि बाहर आने से रुका है। आपकी भी जान को खतरा है, क्योंकि अगर आप अगर ऑफिस में होते तो ये तोड़फोड़ का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जान का खतरा अवश्य है, भारतीय जनता पार्टी हम लोगों की जान पर खतरा और जान पर हमला भी करना चाहती है, तभी ये जानलेवा हमला किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने हम सबको एक चीज़ बड़ी स्पष्ट तौर पर बोली है, और वो ये बोली है कि मरते दम तक देश के किसान का साथ नहीं, मरते दम तक एक ही काले कानून खारिज कराने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कायर हैं, जो पीछे से बात करते हैं, हम लोग कायर नहीं हैं, हम अंतिम सांस तक देश के किसान के साथ लड़ेंगे।